अस्सलाम वालेकुम। हाय, शमीना की दुनिया में आप सबका स्वागत है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए 16वें इफ्तारी में जो है यमी सी, टेस्टी सी और सॉफ्ट सी कलरिंग मिल्क पुडिंग यानी चाइना ग्रास भी, इसको जो है रमज़ान में चाइना ग्रास के नाम से ज़्यादातर सुना गया होगा आपने। और ये जो है कि बहुत सारी चाइना ग्रास अपने मिल्क पुडिंग खाई होगी वाइट कलर में। क्या आपने ऐसी ट्रिपल लेयर में कभी बनाई है? तो आइए देखना ये वीडियो मैंने कैसे तीन कलर में अलग अलग लेयर में एक ही मिल्क से बनाई हूँ। और ये भी मेरी सासू माँ की रेसिपी है। ये मैंने जब शादी करके आई थी तब फर्स्ट टाइम रमज़ान में मैंने ये ऐसी कलर की ट्रिपल लेयर में जो है चाइना ग्रास मिल्क पुडिंग खाई थी। तो उसी का वीडियो है, मेरी सासू माँ इन लोग कैसा बनाते वही सब सिंपल और इजी टेक्निक्स मैंने आपको ये मेरे वीडियो के ज़रिए बताई हूँ। तो आप वीडियो को पूरा देखना। और इसके लिए लगने वाला है इंग्रेडिएंट्स और मटेरियल, तो ये है चाइना ग्रास जो कि रमज़ान में हर शॉप में मिलता है। ऐसा जो है थ्रेड टाइप में होता है, जैसा ऐसा घास टाइप, उसको आपको ऐसा फील लगेगा, ड्राई होता है सूखा। बट इसको जो है पानी में सोक करके रखना है। अभी मैं देखिए वाटर में डाल के 10 मिनट जो है सोक करके रखूँगी ताकि वो थोड़ा नरम हो जाएगा, फिर हमें उसे कुक करना है। तो ये नहीं मिला तो आप मिल्क पुडिंग या फिर जेली या फिर आप जो है अलग अलग मार्केट में इस तरीके से मिल्क के जो है ट्रांसपेरेंट जो है अगर भी मिलता है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं चाइना ग्रास के जगह पे। बट हमें कलर वाली बनाना है ट्रांसपेरेंट, इसलिए हमने चाइना ग्रास लिया है। अब मैंने दूसरे बर्तन में डाल दी हूँ चाइना ग्रास को, जिसमें मुझे दूध भी ऐड करना है आगे जाके, इसलिए मैंने बड़ा बर्तन जो ली हूँ और उसी को गैस पे रख दी हूँ। जो भिगो के रखा था हमने चाइना ग्रास वो पकने स्टार्ट हो गया है। मैं इसी में ही शुगर ऐड करूँगी ताकि शुगर के साथ दोनों जो है मेल्ट हो जाए। तो अब हम इसमें शुगर डाल रहे हैं स्वाद अनुसार। तो मैं इसमें आधा लीटर दूध है तो मैं इसमें कम से कम 4 स्पून देने वाली हूँ। 2 हो गए, 3 और ये 4, 4 टेबल स्पून हम ले रहे हैं। और इसको पूरा शक्कर के साथ बॉईल करके लेंगे पूरा मेल्ट होने तक। तो 5 मिनट बाद चेक करते हैं। तो अभी देखिए ये पूरा बॉईल हो गया है, मेल्ट हो गया है शुगर के साथ में ही। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप करने वाले इसमें मिल्क। तो मिल्क ले रहे हम आधा लीटर। तो ये अब मैं मिल्क डालने वाली हूँ आधा लीटर पूरा। अभी ये पूरे दूध को फिर अच्छे से हम मिक्स कर रहे हैं और इसको अब हम एक जोश आने लेंगे। और फिर हम जो आज बता रहे हैं आपको ट्रिपल लेयर वाली चाइना ग्रास यानी तीन लेयर में किस तरीके से बनाना है एक ही बैटर से, तो बस उसके ट्रिक्स है और स्टेप है तो अभी आपको हम बताएंगे। ये पूरा बॉईल करके लेंगे दूध को और फिर हम उसको किस तरीके से सेट करेंगे वो नेक्स्ट स्टेप बताएंगे। अभी दूध को जोश आ गया है, अब इसको हम थोड़ा सेट होने देंगे 2 मिनट के बाद और फिर कलर डाल के एक एक सेट होने रखेंगे। तो मैंने कलर के लिए एक बाउल ली हूँ और सेट करने के लिए स्लाइस वाले में बनाने वाली हूँ। तो मैंने ये स्लाइस केक वाले अमाउंट्स ली हूँ, आप चाहिए तो कटोरी में भी कर सकते हैं। और अभी मैं ये जो मिल्क हमने पका के लिया था तो उसको अभी थोड़ा सा मिक्स कर रहे हैं, थोड़ा कूल होने देंगे क्योंकि बहुत ही ये हॉट है, जस्ट अभी ये किया था। तो 1 मिनट बाद हम थोड़ा रेस्ट होने के बाद उसको कलर डाल के सेट करेंगे। अभी हमने बॉक्स भी लिया है, अभी मैं आपको बता रही हूँ। देखो ये मैंने जो मिक्स की थी मिल्क चाइना ग्रास वाला मेल्ट करके, तो मैंने एक लेयर एक जैसी आनी चाहिए इसलिए एक बाउल ली हूँ ताकि उसमें मुझे जो है क्वांटिटी समझेगी। तो सबसे पहले मैं है वाइट वाला बीच में बनाऊंगी, तो वाइट के जगह पे हम येलो पहले कलर डाल रहे हैं। वाइट में तो कुछ डालने की हमें ये नहीं है, तो मैं अभी इसमें जो है फूड कलर डाल रही हूँ, प्लेन फूड कलर है 2 ड्रॉप्स। तो आप याद रखना इसमें जो है सिर्फ कलर होता है, दूध नहीं फटता इससे। तो ऐसा ही प्लेन कलर लेना है आपको कोई भी। और अभी इसको मैं मिक्स कर ली हूँ अच्छे से और अभी मैं ये जो है इसमें डालूँगी इस मोल्ड्स में, इसकी लेयर बनानी है मुझे। तो मैं पहले 1 लेयर के लिए देखिए एक डाल दी हूँ और अभी सेकंड जो लेयर है
ये कूल होने के बाद, तो अभी ये जो बबल्स आए मैं थोड़े टैप कर दूंगी और इसको यही मोल्ड्स को उठा के मैं जो है फ्रिज में रख दूंगी ताकि जल्दी जल्दी जम जाए। और ये जो हमारा दूसरा है बैटर, ये भी सेट करने के लायक रहे, वरना ठंडा हो जाएगा तो जम जाएगा। तो इसी में हमें वही प्रोसीजर में करना है। तो अभी मैं इसको फ्रिज में सेट होने रख दूँ 5 मिनट के लिए ऊपर बंद केस में फ्रीजर में। ये एकदम सेट हो गया है जेली जैसा। तो अभी हम दूसरा लेंगे और इसमें डालेंगे। अभी मैं जब तक ये कटोरे को वापस से लेके दूध को अच्छे से मिक्स कर ली, जो हमने चाइना ग्रास शुगर सब डाल के मेल्ट किया था बॉइल करके। और अगेन मैं एक कटोरा भर के ले रही हूँ क्योंकि मुझे 3 लेयर में बनाना है। और अब मैं इसमें डालूँगी जो है ऑरेंज कलर। तो अब मैं दूध का अगेन ऑरेंज कलर ले रही हूँ बिना सॉल्ट वाला, जो कि प्लेन वाला कलर है, फूड ड्रॉप डालने वाले हैं। और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। और अभी फिर से हम जो सेट किए हुए इसमें डालेंगे। तो मैं जो है इसको डालूंगी, बट जो है डालते वक्त मैं स्पैटुला को थोड़ा ऊपर रखूंगी, डायरेक्ट नहीं डालना है, क्योंकि जो है कलर जो चाइना ग्रास का लिक्विड है वो गर्म है, इसलिए मैं थोड़ा स्पैटुला मिडल में रख के इस तरीके से डाल रही हूँ ताकि सब जगह स्प्रेड हो जाए। और अब हम इसको भी अगेन 5 मिनट फ्रिज में रख के चिल करेंगे और फिर उसको नेक्स्ट डे है जो वाइट वाला कलर डाल देंगे। तो बस यही ट्रिक है, जमाना है, डालते वक्त ध्यान से उसको बीच में मिडल में एक स्पैटुला के मदद से रखना है और फिर अगेन जमाना है, लेकिन फटाफट ये प्रोसीजर कर। और यहाँ पे ये देखिए, ये भी जो जेली वाला है वाटर फॉइल हो गया है, ये भी रेडी है। तो उसको भी हम लास्ट में ये करेंगे, डालेंगे जब वो सेट हो जाएंगे 3 लेयर के बाद, लास्ट में डालेंगे हम इसको। अभी ये जो हमने वाइट वाली डाल के रखी थी उसमें हम डालेंगे ये चाइना ग्रास का अंदर जेली जो मेल्ट करके डाले थे, इसको भी हम एक स्पैटुला रखेंगे। ये भी ठीक हो गई है, देखिए ऑरेंज कलर भी दिख रहा है आपको, देखिए सॉफ्ट जेली। अब ये बाकी का जो था वाइट वाला, अब हम ये इसमें पूरा करके डाल देंगे। थोड़ा है इससे मैं पूरा डायरेक्टली डाल दी हूँ। और अब इसको भी उसी तरीके से 5 मिनट सेट होने रखेंगे। Wow! बनाई थी देखिए पतली लेयर वाली, तो फिर
सा कलर और टेस्टी सी जेली रेडी हो गई है। ये जेली वाली चाइना ग्रास है और ये जो है हमारा चाइना ग्रास है उंगली, और ये जो हमने बनाया है देखिए ये चाइना ग्रास है और उस पर जेली का पतला लेयर्ड है। तो प्लीज वीडियो को लाइक करना। आपको ये ट्रिपल लेयर वाली चाइना ग्रास की रेसिपी जो कि बहुत टेस्टी यमी और टेस्टी माउथ वाटरिंग वाली है, प्लीज़ ट्राई करना और याद से लाइक करना अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो, और कमेंट करना। फिर मिलते कुछ न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय।